उस समय मैं बहुत ही अफसोस में भी थी क्योंकि नेताजी का देहांत हुआ था, बहुत गमी थी। और आज तक मतलब मुझे लगता है आज धनतेरस का दिन है, मैं आज भी उन दोनों लोगों को, अपने माता पिता को यानी सास ससुर को याद करती हूँ कि किस तरह से उत्सव की भांति पूरा घर इकट्ठा होता था, कैसे सब लोग रहते थे और कितने लोग आते थे मिलने के लिए, कितने अनुभव मिलते थे उनसे सीखने के लिए, और ये सब बातें हैं। लेकिन फिर भी नेताजी की विचारधारा वो आपको अच्छी नहीं लगी? नेताजी ने हमेशा मैं आपको बता रही हूँ, मैं सार्वजनिक मंच पे कहना चाहती हूँ, आदरणीय नेताजी ने सार्वजनिक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी, ये आप लोगों के पास है। और दूसरी बात, राजनीति का शिष्टाचार, दूसरी बात नहीं, शिष्टाचार नहीं, उन्होंने हमेशा नहीं, उन्होंने हमेशा कहा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था उस उम्र के पड़ाव पर, वो शायद नहीं कर सकते थे। हो सकता है कि वो अगर रहते तो आगे चल करके कहते कि कहीं सपा शायद विलय कर रही होती, पर ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, आप कह रही हैं कि अगर नेताजी जिंदा होते तो हो सकता है समाजवादी पार्टी का विलय बीजेपी में कर देते। संभावनाओं का जो है यह पूरा क्षेत्र है, कुछ भी संभावित हो सकता है। पर मैं दूसरी बार और कहना चाहती हूँ, नेताजी ने कभी भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन कभी नहीं किया। यहाँ बैठे जितने लोग हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको खुद पता है, कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी ने कभी एका नहीं किया। और लगातार जब जब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का हाथ थामा है, उसको नुकसान ही हुआ है, क्योंकि कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।